Hey guys, what's up? मेरा नाम है हसीब और आप सब लोग देख रहे हैं टेक्निकल हसीब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टम मैप अपनी GTA 5 के। कस्टम मैप का ये मतलब है कि जैसे अब मैप एडिटर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें लोड करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें कुछ लोड नहीं करना पड़ेगा, जब गेम होगी तो वो अपने आप लोड हुआ होगा, हमें उस लोकेशन पर जाना है, बस वो हमारा मैप लोड होगा। जैसे हमने मैप एडिटर में एक मैप लिया था म्यूज़िक प्रोड्यूसर, वही मैप अब हम यहाँ पे भी लेंगे। तो इसके बाद इन फाइल्स को ओपन कर लें। एक फाइल ओपन आई भी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं आप वहाँ से देख लें। उसके बाद अपनी गेम के लोकेशन में चले जाएं, एक न्यू फोल्डर बनाए जिसका नाम रखें मोड्स, फिर अपडेट को कॉपी करें और मोड्स फोल्डर में पेस्ट कर दें जैसे मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो इसे करें। इसके बाद एक और न्यू फोल्डर बनाएं जिसका नाम रखें स्क्रिप्ट्स। इसके बाद स्क्रिप्ट टू वी को ओपन करें। स्क्रिप्ट टू वी को ओपन करने के बाद फर्स्ट और लास्ट फाइल इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसके बाद स्क्रिप्ट टू वी डू नॉट लेस लास्ट थ्री फाइल्स इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसके बाद स्क्रिप्ट फोल्डर में चले जाएं। स्क्रिप्ट फोल्डर में जाने के बाद आपको क्या करना है, रिलीज को इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसके बाद मैप एडिटर को इसके अंदर पेस्ट कर दें। मैप एडिटर जरूरी है इसके लिए। फिर आप एक और न्यू फोल्डर बनाएं जिसका नाम रखें मैप्स, फिर मैप्स फोल्डर में चले जाएं और अपना जो आप मैप इंस्टॉल कर सकते हैं करना चाहते हैं उसे ओपन करें। तो इसने पहले से दिया हुआ है जिसका ये मैप है वाई मैप्स, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वाई मैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद विद पीपल और इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसके बाद इसे कट कर दें, इसे भी कट कर दें, इसे भी कट कर दें। इसके बाद आप ME2YM को ओपन करें और अपनी गेम की लोकेशन में जाएं। गेम के लोकेशन में जाने के बाद मोड्स अपडेट X64 DLC पैक और एग्जांपल ऑफ DLC पैक कस्टम मैप्स को यहाँ पेस्ट कर दें। इसके बाद इस फोल्डर को मिनिमाइज कर लें, फिर इसे कैंसिल कर लें, फिर इसे एक्सट्रैक्ट कर लें डेस्कटॉप पे, इस मैप को भी एक्सट्रैक्ट कर लें डेस्कटॉप पे। इसके बाद मैं इन्हें डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद फाइल ओपन, और मैंने डेस्कटॉप पे किया हुआ था, आप देख सकते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर मैप एडिटर विद पीपल, इसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आप 2 मिनट वेट करेंगे तो कुछ ऐसा पेयर आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो इसके बाद आप फाइल एक्सपोर्ट, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं लिखूँगा म्यूजिक MUSIC प्रोड्यूसर, फिर इसे मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब क्या करेंगे, हम ओपन IV को रन कर लेंगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख लें। इसे रन करने के बाद आपको क्या करना है, इसे रन करने के बाद आपको जाना है SI मैनेजर पे। ये तीनों फाइल्स आप देखें इंस्टॉल हैं, अगर नहीं है तो इन्हें इंस्टॉल करें। इसके बाद एक्सपोर्ट को इनेबल कर लें। इसके बाद आप चले जाएं मोड्स अपडेट, अपडेट RPF, कॉमन डाटा और DLC पैक को एक्सट्रैक्ट कर लें डेस्कटॉप पे। इसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर दें और DLC पैक को ओपन कर लें और यहाँ से कोई सी भी लाइन कॉपी कर लें विद स्पेस। यहाँ पे आप आके इंटर प्रेस करें और उस लाइन को Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दें। वहाँ पे
इतनी सी जगह को रेस करके आप राइड करें कस्टम मैप्स। जैसे आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है, तो मैं इस लाइन को रेस कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप कस्टम मैप्स। तो इसके बाद आप इसे कैंसिल करें, सेव। सेव करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रिप्लेस, और डेस्कटॉप पे ये पड़ी है डीएलसी पैक, और इसे ओपन कर दें तो ये रिप्लेस हो जाएगी। इसके बाद आप ऊपर से मोड्स पर जाएं, अपडेट x64 डीएलसी पैक कस्टम मैप्स डीएलसी .rpf x64 लेवल GTA 5 मैप्स कस्टम मैप्स। तो इस फाइल को आप डिलीट कर दें। तो यहाँ से जो हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी ME2Y के साथ, तो उसे इसके अंदर पेस्ट कर दें। तो ये हो गया इसके अंदर पेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया है। इसके बाद आप इसे कैंसिल कर दें और अपनी गेम को रन कर लें। तो गाइज अब हम गेम में आ गए। गेम में आने के बाद हमें उसी लोकेशन में जाना है जो हमने मैप एडिट में बताई थी। आप जो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पर मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ वो लोकेशन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब यहीं आसपास उसका घर है म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो हम लेंगे अपना हेलीकॉप्टर। तो ये आप इस ट्रेनर की वीडियो मैंने डाली हुई है, कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, आप ज़रूर देख लें, बहुत अच्छा ट्रेनर है ये। तो बूस्टर लगवाते हैं, जल्दी चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से जा रहा है। तो वो देख सकते हैं आप, तो मैंने अभी लोड भी नहीं किया, वो अपने आप आ गया है। तो आप ये देखें, मैप एडिटर में ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं लोड किया होता तो करंट एंट्रीज ऑन होता, पर देखें मैंने लोड नहीं किया हुआ। ये कस्टम मैप्स हैं, आप देख सकते हैं, आप भी इंस्टॉल करके देख लें। अगर आपके कोई एरर आता है तो मुझे बताएं, तो हम आपको सोल्व करके देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे ये होगा कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाया करेंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye.